नमस्कार दोस्तों, मेरी किचन में मैं गीता कोहली, गीता की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम नई रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसमें हमारी रेसिपी है आज देसी चने, इसको काले चने बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमको उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो हमने ये देसी चने लिए हैं, जिसको हमने धो के साफ करके दोपहर में भिगो के रख दिया था। 7-8 घंटे इसको अच्छे से भिगो के रखेंगे, ये तो ये जल्दी आराम से गल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये कितने आराम से दब रहे हैं। तो इसको हम कुकर में पानी डाल के उबलने के लिए रखेंगे। डालेंगे इसमें जितना हमको जरूरत है पानी। साथ में हम नमक डालेंगे और इसको बंद करके गैस पे उबलने के लिए रख देंगे। तो गैस पे हमने चने उबलने के लिए रख दिए हैं। मसाले के लिए लिए हैं हमने 5 से 6 प्याज लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन, 2 टमाटर, थोड़ा सा सबको छील के हम एक साथ मिक्सर में मसाला पीस लेंगे। देखिए सब अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज टमाटर सबको एक साथ, और कढ़ाई को हम गैस पे रख देंगे और में लिया है हमने थोड़ा सा जीरा, लौंग, एक छोटी इलायची, एक मोटी इलायची और एक इलायची जिसको हम काली इलायची भी बोलते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। आप बिना खड़े मसालों का भी बना सकते हैं, हम थोड़े थोड़े खड़े मसाले डालते हैं जिससे टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छे बनते हैं। ओके, अभी हम सब खड़े मसालों को एक साथ डालते हैं। अभी हम खड़े काले चने में ग्रेवी थोड़ी ज्यादा बनते हैं। अगर आप ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं, रस्से चावल के साथ खाना चाहते हैं, तो आप इसको बनाएं जिससे उसकी तरी थिक ग्रेवी रस्सा अच्छा बन जाए, कम टेस्ट नहीं आते। कहते हैं कि अलग अलग मसाला भूनने से अलग अलग भूनने से ही अच्छा भूनता है, एक साथ मसाला सब डालने से नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम ऐसे भी मसाले भूनते हैं तो मसाला हमारा जलता है, पत्ते पे अलग से इसमें कड़वापन आ जाता है और इससे बिल्कुल ठीक रहते हैं।
सब मसालों को 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद हम ये मसाला डाल के फिर सिम पे करके उसको भूनेंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जिससे हमारे मसाले भी नहीं चलते, ये भी अच्छे से भून जाते हैं, साथ साथ हमारा मसाला भी अच्छे से और जल्दी भून जाता है। देखें का पानी पूरा सूख गया है, बस हमको इसको तब तक ही भूनना है। अब हम इसको ये सब मसाले डाल के भूनेंगे। हम इसको गैस सिम करके ढक के रख देंगे और बीच बीच में इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे, जिससे हमारा मसाला जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से भुनेगा। इसको बीच बीच में चला लेंगे, अच्छे से देखिए मसाला अच्छे से भुन रहे हैं, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर हमने मसाला है इसके मसाला में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। देखो 10 मिनट में हमारा मसाला इतना अच्छे से भून के तैयार हो गया। इसमें हमारे सूखे मसाले गीले भी नहीं चले, हमारे प्याज टमाटर में कुछ भी नहीं चला और सब मसाला हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे, साथ में चलने वाली गैस भी बंद करके इसको खोल इसमें हम मसाला डाल देंगे और उसके बाद मसाला मिलाने के बाद हम 1-2 विसल दिलवाएंगे। देखो हमारे चने कितने अच्छे से उबल के तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमने इसको भिगो के रखा था दोपहर से अच्छे से, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी। अब हम इसमें एक ग्रेवी डाल देंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। अब देखिए हमने कुछ भी वेस्ट नहीं किया है, कढ़ाई में पानी डाल के हमने सारा मसाला निकाल लिया है, कुछ भी हमको वेस्ट नहीं करना है थोड़ा भी। मिला लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। और थोड़ा सा कुकर बंद करके और पकाएंगे। चलिए दोस्तों हमारा चने बनने वाले हैं, साथ ही हमने दूसरे कुकर में जीरा राइस रख दिए हैं। जब तक हमारे चने होंगे तब तक हमारे जीरा राइस भी तैयार हो जाएंगे, फिर हम आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों चने की स्टीम निकल गई है, हम इसको खोल के देख लेते हैं। कितना अच्छा कलर आया है और मसाला भी पूरा अच्छे से मिल गया है। पर हमको चावल के साथ इससे अगर आपको ज्यादा थोड़ा रसा पतला चाहिए तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही बढ़िया चने बन के तैयार हुए हैं। मसाला भी कितना अच्छे से भून गया है, पूरा ऊपर तेल उसका छूट गया है। अब देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कितना सुंदर कलर आया है ना। इसमें अभी हमने हरा धनिया डाला है, ना कसूरी मेथी डाली है, कुछ नहीं डाला है, फिर भी कितना सुंदर देखने में लग रहा है। देखिए हमारे जीरा राइस भी बन के तैयार है।
गर्म गर्म जीरे और जीरा राइस बनके तैयार है। अब हम प्लेटिंग करते हैं। जैसे हम घर में खाते हैं, जैसे मैं खाती हूँ, वैसे ही मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। डालेंगे हम थोड़े से चावल, तो डालेंगे थोड़े से चने, थोड़ा सा सलाद लेंगे जिसमें प्याज है, मूली है, इसको गरम गरम सर्व करेंगे। तो आप देखिए हमारी प्लेट बनके तैयार है। अब आप बताइए ये देखने में कैसे लग रहे हैं, मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। बहुत ज्यादा गर्म है, आप देख रहे हैं धुआं पूरा निकल रहा है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही मजेदार, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, स्वाद ताजा ताजा। अब आप बताइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप कोई भी वीडियो कोई भी रेसिपी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको जरूर बना के बताऊंगी। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।